मुर्दों तक को भी यीशु मसीह ने जिंदा किया था। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज भी अपने रूह कुदस की कुदरत के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से वो जिन जिंदगियों को छूता है वो बाबरकत हो जाती हैं, बहाल हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं और आज़ाद हो जाती हैं। आपको कोरोना का पता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई शख्स कोरोना के मरीज को छू ले या कोरोना का मरीज किसी शख्स को छू ले तो वो अफेक्टेड हो जाता है। यीशु मसीह के वक्त भी ऐसा ही था। लोग कहते थे कि नापाक है कोड़ी, कोड़ी ने किसी को छू लिया या किसी ने कोड़ी को छू लिया, दोनों सूरतों में वो उसे कोड़ हो जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम ये कितनी पावरफुल बात बयान करता है मेरे जीजो, कि कलाम ये बयान करता है कि किसी जगह पे यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ है या कोड़ियों ने यीशु मसीह को छुआ है, कुवत और कुदरत निकली है और उनको हील कर दिया है। हालेलुया, जोरदार तालियां लगाएं इस जिंदा पावर को और कुदरत के लिए। इसलिए मेरे जीजो खत्म करते हुए यही कहना चाहूंगा नए साल के मौका पर कि कुदरती तौर पर यह नए साल के साथ ही यह वाला अटैच किया गया है और इसमें भी सालों का जिक्र आता है, 18 सालों की बात की गई उस औरत उसके खानदान के तलक से। मेरे जीजो जिस तरह से वो औरत, वो बेटी 18 साल से कुबड़ेपन का शिकार थी, वो अपने लिए अपने खानदान के लिए कैसी मुश्किल मुसीबत का जरिया बनी होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे जीजो हो सकता है कि कोई ऐसे मसाइल, ऐसी मुश्किलात हमारे खानदान के अंदर हों जिनकी वजह से हमें बड़ी परेशानी का सामना हो। आज खुशी की खबर है कि लोग कह सकते हैं, हो सकता है आप भी कई दफा ऐसा कहते हो कि भाई इसका कोई हल नहीं, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए जिंदा उम्मीद है। और आखिरी बात यह है कि उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई। मेरे जीजो खुदा का कलाम बयान करता है हमारा निजात दहिंदा जो है आज करबल के वक्त तक यकसा है, जो काम वो 2000 साल पहले करता था आज भी उनको करने की कुदरत रखता है। और फिर आखिरी बात उस औरत के रिस्पॉन्स के तलक से कहना चाहता हूं, वो ये है कि वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया, वहां पे क्या लिखा है, किसी तरह सीधी ना हो सकती थी, और यहां पे क्या लिखा है कि अपनी कमजोरी से छूट गई, उसने उस पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई। ऐदा काम सीधे होंगे जी यीशु मसीह के वसीले ना, विगड़े हुए काम जड़े ने ना ला इलाज जड़े ने इस तरह होंगे ने, खुदा का कलाम बयान करता है। सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी, यानी खुदा की शुक्रगुजारी करने लगी, क्योंकि खुदा का कलाम यह बयान करता है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। लिहाजा हमें भी चाहिए मेरे जीजो कि जिस तरह से इस औरत को ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसे मौका मिला कि वो खुदा के घर में आए, खुदा के कलाम को सुने और शिफा पा जाए, उसी तरह से खुदावंद ने भी हमें यह मौका बख्शा है कि हमारी जिंदगी में भी अगर टेढ़पन है, हमारी जिंदगी में भी कोई लाइलाज मसला है, तो आज बड़े ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर रखें, खुदावंद छुएगा और हम शफा पा जाएंगे। इसलिए कि मेरे जीजो जब हम इस हवाले की आखिरी आयत को 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पता पर क्या लिखा है कि जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। हालेलुया, हमारे मेरे जीजो हमारा निजात दहिंदा आलीशान काम करने वाला खुदा है, बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, वो कादर खुदा है जो हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी दरखास्तों से भी बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। इंग्लिश में लिखा है कि वंडरफुल वर्क्स, मौजज़ात करने वाला खुदा है, बड़े बड़े अजायब करने वाला खुदा है। लिहाजा आज के कलाम के वसीला से हमने यही सीखा है कि हो सकता है कि चंद सालों से, महीनों से, कुछ वक्त से हमारे कुछ काम जो हैं, मामलात जो हैं, कारोबार जो हैं, वो टेढ़ेपन का शिकार हो गए हों, सीधे ना हो सकते हों, लेकिन जिंदा उम्मीद, जिंदा निजात दहिंदा है, इसलिए कि उसकी कब्र खाली है और आवाज भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए भी खुदावंद की स्ताइश और शुक्रगुजारी के लिए